दोस्तों, यमन के हूती विद्रोही ने दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली सेनाओं को उलझाकर रखा हुआ है। वे अभी भी लाल सागर से गुजरने वाले किसी भी मालवाहक जहाज पर मिसाइलें दाग रहे हैं, जिन्हें वे अमेरिका, ब्रिटेन या इजराइल से जुड़ा मानते हैं। इसके अलावा वे कुछ ऐसे भी जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो दूसरे मुल्कों के हैं। इन हमलों का पहले से ही वैश्विक व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस कारण अधिकतर मालवाहक जहाज हजारों मील दूर अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, हूती विद्रोही अपने मिसाइल अड्डों और ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हवाई हमलों से निडर दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हूती विद्रोही कौन है और वे इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। दोस्तों, हूती विद्रोही यमन के उत्तर पश्चिम से रहने वाला एक अल्पसंख्यक समूह है। इन विद्रोहियों को अपना नाम एक सामाजिक आंदोलन के संस्थापक हुसैन अल हौथी से मिला। दोस्तों, हूतियों ने 2000 के दशक की शुरुआत में यमन के ताकतवर शासक के खिलाफ कई युद्ध लड़े। इसके बाद अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शन के कारण उन्हें और ज्यादा शक्ति मिली और यमन में राजशाही के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने राजधानी सना को घेर लिया और 2014 में उस पर कब्जा कर लिया। हूतियों के अपदस्थ राष्ट्रपति सालेह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हूतियों ने राष्ट्रपति के वफादार रिपब्लिकन गार्ड को निपटा दिया। इससे यमन की 80% आबादी पर हूतियों का कब्जा हो गया। दोस्तों, जब से हूतियों ने यमन की सत्ता संभाली है, तब से देश के हालात काफी खराब हैं। यमन पहले से ही अरब देशों में सबसे गरीब था। अब एक विनाशकारी गृह युद्ध ने इस देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। एक अनुमान के मुताबिक यमन के गृह युद्ध में 150,000 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, हालात इतने खराब हैं कि यहाँ के लाखों लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। दोस्तों, हूतियों ने अपने पड़ोसी देश सऊदी अरब पर भी ड्रोन और मिसाइलें हमले किए। इस कारण सऊदी अरब ने भी एक गठबंधन बनाकर यमन में हूतियों के खिलाफ कई साल तक हवाई हमले किए। इन हमलों में हूती विद्रोहियों के अलावा हजारों की संख्या में आम यमनी नागरिक मारे गए। दोस्तों, हूती एक विजयी मानसिकता का प्रतीक है जो दो दशकों में जीत की एक श्रृंखला के माध्यम से बनी है। 2015 से 2022 तक लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रयास को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। दोस्तों, नवंबर 2023 के मध्य से हूतियों ने बाब अल मंडेब जलडमरू के संकरे रणनीतिक चेक पॉइंट के करीब से गुजरने वाले कार्गो शिपों पर हमले के लिए मिसाइलों और ड्रोन का पर्याप्त इस्तेमाल कर अपने शस्त्रागार को दुनिया को दिखाया है। दोस्तों, हूतियों के पास अपनी कोई हथियार की फैक्ट्री नहीं है। वे AK-47 जैसे राइफलों लेकर हमलावर ड्रोन और एंटीसिम मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि हूती विद्रोहियों को ये हथियार ईरान से सप्लाई किए जाते हैं। अमेरिका का यह भी कहना कि हूतियों को मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी सभी सहायता ईरान से मिलती है। दोस्तों, एक अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान किसी भी हथियार को सीधे हूती विद्रोहियों को सप्लाई नहीं करता है, जिससे उसके ऊपर आरोप लग सके। इसके बदले वह हथियारों को छोटे छोटे पुर्जों में करके उन्हें पहले किसी अफ्रीकी देश तक पहुंचाता है, फिर वहां से मछली पकड़ने वाली नौकाओं के जरिए यमन लेकर जाया जाता है।